ई-लर्निंग की दुनिया सीडीपी के स्मार्टफोन क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड। जल्दी जल्दी तभी साथी लाइव आ जाइए। सीडीपी के बेहद महत्वपूर्ण क्लास जो आपको परीक्षा में निश्चित तौर पर मदद पहुंचाएगी प्रारंभ हो चुके फ्रेंड। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप सभी का क्लास में स्वागत है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जैसे जैसे जुड़ते जाए फ्रेंड वीडियो को शेयर करते चलिएगा और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास प्रारंभ करते हैं फ्रेंड। 16 वर्षीय नीरज अपने माता पिता, जी हाँ फ्रेंड, एक 16 वर्षीय बालक है नीरज जो अपने माता पिता से पृथक व स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना का विकास करने का प्रयास कर रहा है व विकसित कर रहा है। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था अवस्थात्मक अकड़पन या परिपक्वता। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि एक नीरज जो 16 वर्ष का बच्चा है अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है किस प्रकार के गुणों को विकसित कर रहा है फ्रेंड। क्या वह नियमों के प्रति घृणा विकसित कर रहा है या क्या स्वायत्तता का गुण विकसित कर रहा है, क्या किशोरात्मक अकड़पन विकसित कर रहा है या परिपक्वता को विकसित कर रहा है। फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो आंसर आने प्रारंभ चुके हैं, जी हाँ सभी साथी आंसर अपने अपने जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड, आपसे नंबर बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। स्वायत्तता इज द राइट आंसर, स्वायत्तता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। बी इज द राइट आंसर, बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही हैं। बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभाव का प्रभाषण देकर, सच बोलने वाले उदाहरण देकर या सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषित देकर। बताइए फ्रेंड आप झूठ बोलने वाले बच्चों की आदत को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए सभी साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए फ्रेंड फटाफट आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं आप सभी साथियों के, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए आप सभी लोग फटाफट डी 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 डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी आंसर कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही है भैया कि झूठ बोलने वाले बालकों की आदत में सुधार लाने के लिए सच बोलने वाले बच्चों को यदि हम इनाम देते हैं, यदि सम्मान में उन्हें कुछ हम चीज देते हैं या तो पेंसिल दे दिए या कोई पुस्तक दे दिए या कुछ पैसे यदि हम इनाम में देते हैं, इससे झूठ बोलने वाले बच्चों को एक सबक मिलेगा और देखेंगे कि एक बच्चा सच बोल रहा है, उसको शिक्षक के द्वारा शाबाशी या इनाम के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना मैं भी सच बोलूँ, मैं भी अच्छे काम करूँ और मैं भी शिक्षक से इनाम का पात्र बनूँ। इसलिए विकल्प नंबर डी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अगला, स्टेनले हाल ने या स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव तूफान की अवस्था है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सहस्त्र। जी हाँ स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है। बहुत बढ़िया सभी साथी, जितने भी साथी लाइव है मैं सभी के आंसर देखना चाहूँगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग 19-20 लोग इसमें जो लाइव देख रहे हैं हमें फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, क्योंकि बेहद सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया लगभग सभी साथियों ने आंसर कमेंट कर दिया है और सभी के जवाब 100% सही हैं। भैया किशोरा अवस्था कोई स्टैंडर्ड हाल महोदय जी,
संघर्ष तूफान तथा तनाव की अवस्था मानते हैं। इस अवस्था में बालक अत्यधिक संघर्ष तथा अत्यधिक तनाव और तूफान का सामना करता है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को संघर्ष तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। एडोलसेंस किशोरावस्था के जनक के तौर पर स्टेनली हॉल का नाम जाना था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है एडोलसेंस। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरी प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि रचनात्मक उत्तर के लिए किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, मुक्त उत्तर वाले, तथ्यपरक, सीमित उत्तर वाले या प्रत्यक्ष। जी हाँ फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। रचनात्मक उत्तरों के लिए किस प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता होती है। चलिए ए ए ए ए ए जी हाँ, ए कमेंट आ रहे हैं ज़्यादातर। बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आप सभी के जवाब 100% सही हैं भैया कि रचनात्मक कार्य के लिए जो इस प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता है वह है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तरी प्रश्न। विकल्प नंबर ए वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़िए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। आनुवंशिकता प्रभावित करता है, भौतिक वातावरण प्रभावित करता है, सामाजिक वातावरण प्रभावित करता है। तो बहुत बढ़िया भैया, डी वाले के साथ चला जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि सभी प्रभावित करते हैं, चाहे आनुवंशिकता हो गया, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। कहने का मतलब ये सारे कारक जो हैं एक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज राइट एंड फ्रेंड, डी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अगला, थान राय का कौन सा नियम सीखने के पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम है कुछ सभी। कह रहे फ्रेंड कि थान राय का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाएंगे आप इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर पाएंगे। जी हाँ, चलिए डी 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 भैया, इसका डी नहीं होगा, हर क्वेश्चन का डी आंसर नहीं होगा, बी भी होगा कुछ का, जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, प्रभाव का नियम फ्रेंड, प्रभाव का नियम पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। फ्रेंड प्रभाव का जो नियम होता है इसे प्रभाव का नियम या संतोष का भी नियम कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब व्यक्ति या जब बालक कोई कार्य करता है और उसको उस कार्य को करके संतोष प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलती है, तो बालक उस कार्य को बार बार करना चाहता है। या कहने का सकते हैं कि जब बालक किसी को कार्य को करता है उसको पुरस्कार प्राप्त होता है तो बालक उस कार्य को बार बार करता है, और जब बालक कोई ऐसा कार्य करता है उसके वजह से उसको दंड मिलता है तो बालक उस कार्य को पुनः दोहराना नहीं चाहता। इसे ही प्रभाव का नियम या संतोष का नियम कहते हैं। विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। थोड़ा सा दिमाग लगे फ्रेंड, हर क्वेश्चन का एक ही विकल्प नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरा अवस्था में नहीं होता है। अहम केंद्रियता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति या प्रक्षेपण की योग्यता। या फ्रेंड किसका विकास किशोरा अवस्था में नहीं होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अभिरुचियों का विकास तो होता है फ्रेंड किशोरावस्था में, तर्क शक्ति का भी विकास होता है किशोरावस्था में, और प्रक्षेपण की योग्यता का विकास होता है किशोरावस्था में। तो फ्रेंड अहम केंद्रता का जो है वह विकास किशोरावस्था में नहीं होता है फ्रेंड, बल्कि शैशवावस्था में होता है। अहम केंद्रता मतलब खुद से बात करने की जो व्यवस्था होती है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ये कमेंट करने वाले फ्रेंड सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अगला क्वेश्चन, समस्या, जी हाँ चलिए, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, या उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है, आप कौन से विकल्प को उचित मानते हैं। जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जय हाँ, सभी के आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। विकल्प नंबर ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया फ्रेंड, आप सभी के जवाब
100% सही है, ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, कि इस बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं तो हम समस्यात्मक बालक के व्यवहार में निश्चित तौर पर परिवर्तन ला सकते हैं फ्रेंड। अब बात यहाँ पर उठती है कि समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं। ऐसे बालक जो वातावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, कक्षा में शरारत करना, मारपीट करना, झगड़े करना, इस प्रकार के बालक को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। माता पिता का आज्ञा न मानना, गुरु की आज्ञा मानना, ये समय सभी प्रकार के बालक को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। और इनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का उपाय भी आप जान चुके हैं, उनके वातावरण में तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर उनके इस व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? जी हाँ फ्रेंड, विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। धीमी गति से सीखने वाले विशिष्ट बालक हैं, सृजनशील बालक, शारीरिक गति से विकलांग, साधन संपन्न। जी हाँ, साधन संपन्न कौन से आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं? देखिए भैया, धीमी गति सीखने वाले बालकों को विशिष्ट की श्रेणी में रखेंगे, सृजनशील बालकों को भी विशिष्ट के रखा जाता है, क्योंकि यह कहता है कि सामान्य बालकों से भिन्न होता है इसलिए विशिष्ट में रखा जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को भी, जिसमें अस्थिबाधित, स्वर्ण बाधित, मुख बाधित, विभिन्न प्रकार के बालकों को भी हम क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों में रखते हैं। जो साधन संपन्न बालक होता है फ्रेंड, उसे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सबमिट करने वाले सभी छात्रों के जवाब सही है फ्रेंड। साधन संपन्न बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर फ्रेंड, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, अधिगमकर्ता, जी हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको सही कर लेते हैं। अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे भले वह अनुचित हो, कि बालक के दिन प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय ही न मिले, यह सुनिश्चित करे कि कक्षा कक्ष में उसको पक्षात्मूर्ण व्यवहार मिले। बताए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है? अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताए फ्रेंड, कौन सा विकल्प आपके अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा? सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। अरे भाई, पक्षपातपूर्ण यदि व्यवहार मिलेगा तब तो यह तो और बढ़ेगा, इसलिए गलत है। डी इज द राइट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही गलत जवाब है। जी हाँ, देखिए भैया, उसके दिन प्रतिदिन के मामले में कोई हस्तक्षेप न करें, कहने का मतलब फ्रेंड जैसी क्रिया वह करता है उस कार्य को करने दें, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक की भावना न करें, तभी वह अपने क्रोध पर रोक लगा सकता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति सुधारने में मदद नहीं करेगा, बुद्धि को सुधारने में मदद नहीं करेगा? दोहराना या अभ्यास, ताल अथवा लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना, अभिप्रेत विस्मृति का सिद्धांत। बताइए भैया, कौन सा जो सिद्धांत है, कौन सा जो कारक है, वह बालक की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? बिल्कुल पानी की तरह साफ ये क्वेश्चन है, फटाफट आप सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए, आंसर आने पर आरंभ हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए, बी 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 और डी। चलिए बी, लय, ताल और लय की सहायता लाना। जी हाँ फ्रेंड, ताल और लय की सहायता, जी हाँ, ताल और लय का यहाँ पर स्मृति सुधारने संबंधित कोई कार्य नहीं है, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बी इज राइट आंसर फ्रेंड, बी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं, ताल अथवा लय की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास में निम्नलिखित विशेषताएं प्रक्षेपित की जाती हैं, क्या की जाती है भैया? देखिए, समान आयु में दोनों का विकास समान होता है,
लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। भैया कौन सा विकल्प यहाँ पर लड़के और लड़कियों के विकास को सामान्य रूप से परिभाषित कर रहा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही विकल्प क्या है। किसका शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, बच्चों का बालकों का या बालिकाओं का? यदि आप ये जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, आंसर आने प्रारंभ भी हो चुके हैं। विकल्प नंबर सी, ए भी आंसर आ गया है, फिर सी ए। चलिए जो लोग अभी आ रहे हैं, आप सभी को हेलो, स्वागत है सभी का इलनवी दुर्गेश में। क्लास की टाइमिंग याद रखिएगा, 12 क्वेश्चन हम लोग इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, 20 क्वेश्चन की है आपकी CDP की सीरीज है। तो आप लोग निश्चित तौर से टाइम से जुड़िए, पूरे क्लास का आनंद लीजिए, ये क्लास आपके लिए निश्चित तौर पर मदद पहुंचाएगी। तो आइए भैया चलते हैं, सी वाला जवाब वाले जो साथी बाजी मार गए हैं उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। सी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं कि लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं। कहने का मतलब फ्रेंड की एक स्थिति में बालिकाओं का विकास बालिकों के विकास से अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, इसीलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और काफ़ी सारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। बताइए फ्रेंड किसके द्वारा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को नहीं बनाए रखा जा सकता, क्या महत्वपूर्ण है? सशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए बी 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 बी, जी हाँ काफ़ी अधिक संख्या में बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत बढ़िया। देखिए पाठ्यक्रम के दोहराने से यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, दोहराने से नहीं फ्रेंड, शैक्षिक गतिविधियों से प्रभाव पड़ेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, रुचियों की भिन्नता से, ये सभी से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड यदि पाठ्यक्रम को बार बार दोहराया जाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम संबंधित समस्या है? ए विषय वस्तु को समझने की समस्या, बी कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, सी परीक्षा में नकल करना, और डी कक्षा में देरी से पहुंचना। कौन सा फ्रेंड शिक्षण अधिगम के संबंधित समस्या है, उसी का चुनाव आपको करके सही आंसर कमेंट करना है। फटाक से बताएं कौन सा शिक्षण अधिगम संबंधित समस्या है। देखिए कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता या शिक्षण अधिगम संबंधित समस्या नहीं है, परीक्षा में नकल करना यह भी, कक्षा में देरी में पहुँचा यह भी, ये सब सारी जो है वह शिक्षण अधिगम समस्या संबंधित समस्या नहीं है। शिक्षण अधिगम संबंधी जो समस्या फ्रेंड वह है विकल्प नंबर ए, विषय वस्तु को समझने की समस्या। कहने का मतलब फ्रेंड शिक्षण अधिगम का मतलब फ्रेंड होता है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवाना, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवाना में सबसे बड़ी समस्या होती है विषय वस्तु को समझना, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए कमेंट करने वाले साथियों के जवाब सही हैं, बाकी लोगों को जिनके गलत हुए हैं वह सही आंसर जान लीजिएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। अगला, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ को फिर एक एक करके चलाना सीखता है, यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, या व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए फ्रेंड, एक बालक पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, यह वृद्धि और विकास के कौन से सिद्धांत का एग्जाम्पल है? जी हाँ फ्रेंड बहुत बढ़िया, सही पहुंच रहे हैं आप सभी लोग, आंसर आप सभी के बता रहे हैं कि बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग फ्रेंड। एकीकरण का सिद्धांत मतलब फ्रेंड कि पहले पूरे पहला पूरा हाथ काम कर रहा है, मतलब पूरे पूरा पूरे हाथ को चलाता है, उसके बाद एक एक करके उंगलियों को और भी मतलब उसके जो अंगों को मांसपेशियों को कार्य कराना प्रारंभ करता है, इसका मतलब फ्रेंड वह एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी इज राइट आंसर फ्रेंड, एकीकरण का सिद्धांत इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, किसी बच्चे का
विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी या उपयुक्त में से कोई नहीं। श्याम फ्रेंड, यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन को, प्रीवियस जो क्लास है हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। कह रहे हैं, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक है या अनौपचारिक है या सहभागी है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? फटाक से आंसर कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, बी और सी। बी और सी आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। फटाफट सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, विकल्प नंबर बी 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 ए भी कमेंट आ रहा है। देखिए फ्रेंड, हमने बताया था कि यदि विद्यालय के बाह्य परिवेश में किसी भी प्रकार का निरीक्षण होता है या किसी भी प्रकार का शिक्षा बालक ग्रहण करता है, उसको अनौपचारिक माध्यम का निरीक्षण तथा अनौपचारिक माध्यम की शिक्षा कहा जाता है। यदि विद्यालय परिवेश के अंतर्गत तो शिक्षा ग्रहण करता है या निरीक्षण उसका होता है, ये सब औपचारिक होगा। यदि विद्यालय परिवेश के बाहर या किसी बंद वातावरण के बाहर यदि उसका किसी प्रकार से निरीक्षण या ज्ञान प्राप्त करता है, ये सारे अनौपचारिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया, उन सभी के जवाब सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी हाँ फ्रेंड, मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना और परिपक्वता दोनों सामाजिक मापदंड। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट कर दिए भैया, क्योंकि सीखना और परिपक्वता ये दोनों क्या होते हैं, मानसिक वृद्धि और विकास में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का फ्रेंड मतलब होता है कि जैसे जैसे बालक सीखता है, जैसे जैसे उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे वह परिपक्व होता चला जाता है और उसके सीखने की गति में भी सुधार होता है। इसका मतलब फ्रेंड, इन दोनों में सीखना परिपक्वता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकल्प नंबर 3 वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि। यहाँ फ्रेंड, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ध्यान से अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, जी हाँ फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा। सी 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 सी। देखिए भैया, संवेग से तो सामाजिक विकास प्रभावित होगा, सी वाले आंसर अपने सही करिए। मित्र मंडली, जी हाँ फ्रेंड, मित्र मंडली व्यक्तिगत कारक नहीं होता है या सामूहिक कारक होता है। ध्यान से देखिए, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि, ये सारे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक होते हैं। मित्र मंडली व्यक्तिगत कारक नहीं फ्रेंड, यह सामूहिक कारक होता है। विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, निश्चित तौर पर आपका जवाब सही होंगे। आगे बढ़िए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, तो वह अवस्था कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था? पटाख से बताएं फ्रेंड कि जिस उम्र में मित्र मंडली का सबसे अधिक प्रभाव होता है वह कौन सी अवस्था होती है? ए आंसर आ गया है एक साथी का, और भी सभी साथी फटाफट अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ए ए ए, चलिए ए ए ए, चलिए बी भी कमेंट आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जैसे फ्रेंड वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में जुड़ता है, वैसे ही सबसे पहले वह मित्र बना, मंडली बनाना, समूह बनाने में के प्रति सबसे अधिक जो है झुकता है, अधिक जो है उसके मतलब घनिष्ठता बढ़ती है, और उस समय घनिष्ठता इस स्तर तक बढ़ती है फ्रेंड कि वह क्या करता है, वह अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रह जाता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसका होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, धीरे धीरे आगे चलकर यह घनिष्ठता और बढ़ती है, साथ ही साथ उसको सही गलत अच्छे बुरे का पहचान भी होता है, लेकिन जब वह प्रारंभ होता है तो सबसे ज्यादा प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी उसका प्रभाव होता है। आगे क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे सीरीज का, यह
आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड। इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे, साथ ही साथ वीडियो के अंत में अपने स्कोर कमेंट करना न भूलें कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। प्रश्न फ्रेंड, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, उत्पाद अधिगम उत्पाद को, या अधिगम उत्पादन प्रक्रिया को? फटाक से बताएं फ्रेंड कि छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को, या अधिगम उत्पादन प्रक्रिया को? चलिए भैया आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, डी और ए। डी और ए आंसर आने प्रारंभ हो चुका है। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जितने भी साथी हैं इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग फटाफट अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, डी द राइट आंसर फ्रेंड, अधिगम उत्पाद प्रक्रिया, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं सीडीपी के अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, बने रहिए ई लर्निंग की दुर्गेश के साथ।